और सीधे आपको ग्रेटर नोएडा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी कुछ कह रहे हैं। कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है, इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये भी चीजें हम आप सबको सामने मुझे रखना था, मुझे प्रसन्नता होगी। और उस दिन के कार्यक्रम के 25 नवंबर के कार्यक्रम के लिए आप सबको मैं सादर आमंत्रित हूँ कि इस कार्यक्रम में आप सब आए, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उद्बोधन को सुने और यहाँ के विकास को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने की दृष्टि केंद्र और प्रदेश सरकार जिस दृष्टि से कार्य कर रही है, उन सबको मुझे लगता है हर व्यक्ति उसका यहाँ पर दिग्दर्शन भी करेगा। धन्यवाद जी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अपना चुनावी अभियान जारी रखते हुए और इस दौरान आज ग्रेटर नोएडा सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया है और साथ ही साथ उनके स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। टिहरी में डेयरी से दूध के सैंपल की जांच रिपोर्ट के बाद कोर्ट की तरफ से डेयरी मालिक पर 1,00,000 का जुर्माना लगाया गया। दरअसल साल 2020 में नरेंद्र नगर से दूध की डेयरी से सैंपल लिया गया था और जांच के लिए भेजा गया था, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से सैंपल में गड़बड़ी पाई गई। वहीं अब कोर्ट ने डेयरी मालिक पर कार्रवाई की और 1,00,000 का जुर्माना लगा दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि खाद्य पदार्थों को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। नरेंद्र नगर में दूध की डेयरी से एक सैंपल लिया गया था दूध का, जो कि सब स्टैंडर्ड पाया गया है। तत्पश्चात विभाग द्वारा माननीय न्यायालय निर्णय अधिकारी के यहाँ बात दायर किया गया, जिसका डिस्पोजल कल हुआ है। उस पर 1,00,000 रुपये जुर्माना न्यायालय निर्णय अधिकारी द्वारा विपक्षी पार्टी को लगाया गया। और लक्सर में SDM वैभव गुप्ता ने मत्स्य पालन के पट्टे का निरीक्षण किया, जिसके दौरान वहाँ अनियमितता मिलने पर पट्टे को बंद कर दिया गया है। वहीं SDM वैभव गुप्ता ने बताया है कि नहिंदपुर गांव में मत्स्य पालन का पट्टा वैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिसका निरीक्षण पर कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जैसे ऑफिस में लगे धर्म कांटे का सत्यापन नहीं कराया गया और उससे वजन भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, जिसके बाद SDM ने कार्रवाई करते हुए पट्टे को बंद करा दिया। नेहंदपुर में मत्स्य पालन का जो पट्टा है वो वैधानिक रूप से स्वीकृत है, परंतु इसमें इसके निरीक्षण करने पर इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, जैसे इनके द्वारा जो यहां पर धर्म कांटा है उसका सत्यापन नहीं कराया गया और उसमें काफ़ी वजन में डिफरेंस भी आ रहा है। साथ ही इनके द्वारा जो भी यहां पर खनन कार्य होता है वहां पर जो CCTV लगाया गया है, परंतु जहां पर जिस क्षेत्र में हो रहा है उसका पूरी तरह से कवरेज नहीं हो रही है। साथ ही यहां पर इनके द्वारा जो रवैया इनके द्वारा जारी किया जाता है उसकी प्रति भी ऑफिस में ठीक तरह से नहीं रखी गई है। टिहरी के जिला मुख्यालय में वाटर की क्वालिटी टेस्ट कराने के लिए जल संस्थान लैब को NABL से मान्यता दी गई है, जिसके बाद अब जिले में वाटर क्वालिटी टेस्ट किया जा सकेगा। इससे पहले देहरादून भेजना पड़ता था, जिसकी जांच देते हुए जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने बताया है कि NABL की मान्यता के लिए लंबे समय से कोशिश की जा रही थी। अब यहाँ के लैब में टिहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से भी जल स्रोतों के सैंपल टेस्ट किए जा सकेंगे। और उस बैठक के पश्चात चुनावों से संबंधित हमारी जितनी समितियां हैं उन समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक करेंगे और इसका प्रायोजन चुनाव में एक सिस्टम बनाना है कि भाई टिकटों का फाइनलाइजेशन किस सिस्टम से होगा। आपने पूछा कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा और किसी एलिजिबिलिटी क्या होगी टिकटार्थी की। हमने पहले ही कहा है कि जो व्यक्ति कांग्रेस के सिद्धांतों पर विश्वास रखता हो और जो व्यक्ति 5 साल तक कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए हो,
जो व्यक्ति 5 साल सुख और दुख में जनता के साथ रहा हो, ऐसा व्यक्ति हमारी नजरों में रहेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।